There are three modes of heat transfer: conduction, convection, and radiation. Conduction. In it, heat is transferred from hot to cold parts without actual movement of particles. कंडक्शन में हीट हॉट से कोल्ड पार्ट्स तक ट्रांसफ़र होती है, लेकिन इसमें पार्टिकल्स की बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होती। कंडक्शन में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कमरे में एक गिलास में गर्म पानी लेते हैं और हम इसमें एक चम्मच डाल देते हैं। जब हम उसमें चम्मच डालेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता हमें लगेगा कि वो चम्मच गर्म हो गया है। जब उसे हम यहाँ पर टच करेंगे तो हमें वो चम्मच गर्म महसूस होगा। वो इसलिए क्योंकि हीट चम्मच तक ट्रांसफ़र हो गई है, पानी की हीट चम्मच में आ गई है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है। जब हमने चम्मच को पानी में डाला तो चम्मच के इस एंड ने वाटर से हीट ली, यहाँ पे पार्टिकल्स ने वाइब्रेट किया और उन्होंने आगे हीट ट्रांसफ़र कर दी। इसी तरह आगे से आगे हीट ट्रांसफ़र होती गई और आखिरकार हीट यहाँ तक आ गई और सारा चम्मच गर्म हो गया। दिस इज़ ड्यू टू कंडक्शन। कंडक्शन सॉलिड्स में बहुत अच्छी होती है, क्योंकि सॉलिड्स में पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, वो वाइब्रेशनल मोशन में होते हैं। जब उन्हें हीट दी जाती है तो वो पार्टिकल्स वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं और हीट जो है वो सारे पार्ट्स में टोटली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। लिक्विड्स और गैसेस में कंडक्शन रेट इसलिए लो होता है क्योंकि उनके पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। जब उन्हें हीट मिलती है तो वो वाइब्रेट करते हैं, लेकिन उनके दरमियान ज़्यादा गैप होने की वजह से उनके चांसेस ऑफ कोलिजन यानी कि आपस में टकराने के चांसेस बहुत कम होते हैं, इसीलिए उनके अंदर कंडक्शन रेट बहुत कम होता है। एप्लीकेशंस ऑफ कंडक्शन यानी कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कंडक्शन कैसे हमारे काम आती है। कुकिंग यूटेंसिल्स यानी कि खाना पकाने वाले बर्तनों को मेटल से बनाया जाता है, क्योंकि मेटल गुड कंडक्टर्स हैं। बेटर कंडक्शन के लिए उन्हें मेटल से बनाया जाता है ताकि खाना अच्छी तरह बन सके, क्योंकि जब उन्हें हीट मिलती है तो मेटल गुड कंडक्टर्स हैं तो अच्छे से अच्छे हीट ट्रांसफ़र कर देते हैं। हम गर्म कपड़े और ब्लैंकेट्स पहनते हैं सर्दियों में ताकि हमारी बॉडी गर्म रहे, क्योंकि वो बैड कंडक्टर्स हैं और जब हमारी बॉडी से हीट रिलीज होती है तो वो हीट को ट्रैप कर लेते हैं। बर्ड्स हैव फीडर्स टू कीप देम वार्म, परिंदों के पास फीडर्स होते हैं उन्हें गर्म रखने के लिए। और आइस इज कवर्ड विद जूट टू स्टॉप द ट्रांसफ़र ऑफ हीट, आइस को जूट से कवर किया जाता है हीट के ट्रांसफ़र को रोकने के लिए। थैंक्स।